Hi everyone, welcome to my today's video. My name is Sahil and you are watching CBSE First to 8th Guide. So, जो puzzle आप इस time पर screen के ऊपर देख रहे हैं, वो कुछ समय पहले internet के ऊपर viral हुई थी. और इसके जो answer है, यानी इसका जो solution है, वो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ. सबसे पहले मैं इस puzzle को read कर दिखा देता हूँ. If 1 + 4 = 5, 2 + 5 = 12, 3 + 6 = 21, सो 8 + 11 कितना होगा. 8 + 11 पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, अननोन. सो लेट्स स्टार्ट. बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस दी बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमारा फर्स्ट मेथड है रनिंग टोटल. रनिंग टोटल में क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है 1 + 4 = 5. सो हमने क्या करना है कि 1 + 4 तो हमें पता है कि 5 के इक्वल होता है, एंड वैसे 2 + 5 = 12 लिखा हुआ है. बट 2 + 5 12 के इक्वल नहीं होता, 2 + 5 होता है 7 के इक्वल. सो हमने क्या करना है, जो ऊपर 5 था हमें हमारा जो आंसर आया था उसको हमने नीचे लाना है. 5 + 2 + 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 12 के. वैसे ही यहाँ पर जो 12 है वो 3 और 6 के साथ मिलकर, यानी उन दोनों के साथ प्लस हो जाएगा. एंड 12 + 3 + 6 किसके इक्वल आ जाएगा, 21 के. अगर हम अकेले 3 + 6 करते तो वो 9 के इक्वल आता. और वैसे ही 8 + 11, सो 8 + 11 में हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, 21. सो अब ये तीनों मिलकर कितना हमारा आंसर आएगा, ये तीनों मिलकर हमारा आंसर आ जाएगा 40. सो देखो, रनिंग टोटल का मेथड यूज कर हमारा आया है 40 आंसर. बट एक और मेथड है एंड उसका एक अलग आंसर है. सो मैं वो भी कर दिखाता हूँ और अब बताता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा. सो अब हमारा सेकंड मेथड है a + ab. ab का मतलब क्या होता है, सो देखो, सबसे पहले a है. a हम उस नंबर को मानेंगे जो हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा हुआ है, और b हम उस नंबर को मानेंगे जो हमारे राइट साइड के ऊपर लिखा हुआ है. सो जो राइट साइड वाला है उसमें हमने a को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 1 को मल्टीप्लाई, जैसे कि फर्स्ट वाले में 1 को मल्टीप्लाई कर देना 4 के साथ, और उसे 1 से प्लस भी कर देना है. सो हमारा आंसर आ जाएगा 5. वैसे ही 2 प्लस किससे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 से, जो कि कितना आ जाएगा, 12. 3 + 3 मल्टीप्लाई 6 से कर देना, जो कि कितना आ जाएगा, 21. 8 + 8 मल्टीप्लाई 11 कर देना, जो कि कितना आ जाएगा, 96. सो अब देखो, हमारे दो जो आउटकम है वो आ चुके हैं. फर्स्ट आउटकम है 40 और दूसरा आउटकम है 96. सो अब हमने फाइंड करना है कि इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है. सो उसके लिए हमें रनिंग टोटल में जो 1, 2 एंड 3 यहाँ तक ही आया हुआ है, एंड सो हम रनिंग टोटल में भी इसको चेक कर देखेंगे कि कौन सा आंसर. अगर तो 40 आ गया सो हमारा आंसर 40 ही है, और अगर हमारा आंसर आया 96 सो हमारा आंसर 96 है. सो हमने 1, 2, 3 के बाद भी 4, 5, 6, 7 ये भी डालने हैं, और उसके बाद 8 डालकर प्लस करना है. लेट्स डू इट. सो देखो, हमने रनिंग टोटल में वही वाला मेथड डाल दिया है. सो देखो, 4 + 7 है, ऊपर वाला 21 था. सो 21 + 4 + 7 किसके इक्वल आ जाएगा, 32 के. अब 32 को हमने प्लस कर देना 5 और 8 के साथ, जो कितना आ जाएगा, 45. और वैसे ही हम आगे वालों में भी करेंगे, 45 + 6 + 9 जो क्या आ जाएगा, 60. 60 + 7 + 10 जो क्या आ जाएगा, 77. और 77 + 8 + 11 जो क्या आ जाएगा, 96. सो 96 यहाँ पर भी आ रहा है और 96 वहाँ पर भी आ रहा है, a + ab में भी और रनिंग टोटल में भी. सो इसके लिए अगर आपने इजी तरीके से इस क्वेश्चन को करना हो, सो आप a + ab वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, एंड यही इसके लिए सही मेथड है, एंड इसका सही आंसर है 96. सो आज की वीडियो को इतना ही. मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस बेल आइकन को भी दबाना, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आप सभी के लिए मेहनत की है. सो प्लीज़ एक लाइक छोड़ना मत भूलना.